हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। देखिए, यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही होगी, तो उसे सॉल्व भी हम यहाँ पर हो जाएगी। तो हम देखते हैं हम स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं अपने फ़ोन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा एडवांस्ड फीचर्स का ऑप्शन, तो हमें इसे कर लेना है ओपन। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट पॉपअप व्यू के नीचे स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। सिंपली आपको इसे कर लेना है ओपन। अब यहाँ पर हम सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट टूल बार, आफ्टर यू टेक अ स्क्रीनशॉट शो अ टूल बार विद बटन टू ऐड टू इट, एडिट इट, शेयर इट एंड मोर। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन से। तो अभी ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्क्रीन टूल बार को ऑन कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर हाइड स्टेटस बार है नेविगेशन, तो अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका ये स्टेटस बार ये जो है ऊपर का और ये नेविगेशन बटन भी गायब हो जाएगा, वो आएगा नहीं स्क्रीनशॉट में, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, मेरे ये काम का नहीं है। और ये डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं और जो टूल बार आपको जो मैंने बताया यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आता है, अगर वहाँ से आप शेयर करते हैं किसी को तो वो ऑटोमेटिक फिर शेयर करने के बाद डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन से। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, और ना करें तो इसे ऑफ रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट फॉर्मेट, आप जेपीजी या पीएनजी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर जेपीजी रहने दीजिए। एंड आफ्टर, यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाती है स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग्स, इसे आप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त किसी भी की आवाज़ या साउंड रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो नो पे रख दीजिए, या मीडिया साउंड रखना चाहते हैं तो मीडिया साउंड रख दीजिए, या फिर मीडिया साउंड एंड माइक, यानी कि आपके मीडिया का जो फ़ोन का साउंड है और जो आपके फ़ोन का माइक है, वॉइस रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ हो जाएगी। और क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सबसे टॉप की जो मिल रही वही रखी 1080p। अगर आप इससे हाई क्वालिटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर आप उससे कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन के उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।